नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आपके साथ सामने खड़े हैं। वाह, चंदन सिंह डायरेक्टर, और हमारे साथ बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस एंड मेरे दोस्त। हाँ, फर्स्ट सखी दोस्त बहुत ही अजीज मित्र, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कमाल के एक्टिंग करते हैं, और बस अब यही छाएंगे इंडस्ट्री में। यंग विलन में अगर किसी का नाम अब जाना जाएगा तो तिवारी जी का जाना जाएगा। लेकिन एक चीज है, मैंने देखा है, हम लोग का सीन हो रहा था संचिता जी का, मेरा, मैं बहुत नर्वस था, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, चंदन जी ने और संचिता जी ने मेरे को इतना बोला, अरे नहीं आप कर लेंगे भाई, करिए, ये है वो है। और आपने मेरे किया? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो इंडस्ट्री में बहुत कम, इतने यंग डायरेक्टर बहुत कम मिलते हैं जो अपने काम को बहुत प्यार करते हैं सर। और इतने जल्दी सर के पहले दिन मैं फ़ैन बन गई थी, क्योंकि इतने जल्दी इतने अच्छे अच्छे सीन्स, और एटलीस्ट 10 से 12 सीन्स सर ने निकाले। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती, बट हर सीन में ऐसे करके उन्होंने लिया है कि मैं खुद ही बोलूँ कि सर मैं आपके फ़ैन हूँ। और रियली सर, मतलब आपको डायरेक्टर कम हीरो लगते हैं। और मैं बोलूँ क्या कॉस्ट्यूम का मैच इन्होंने किया, खाली उसमें का शर्ट मैंने यूज किया है। और एक्चुअली हम सेट पे इसलिए आशी कंफर्टेबल है क्योंकि सर हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम मस्ती करते हैं बहुत, काम तो करते ही है, उसके साथ साथ मस्ती बहुत मस्ती होता रहता है। हाँ। बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करना, क्योंकि आर्टिस्ट अगर डायरेक्टर और एक्टर के रिलेशन रखें तो वो चीज नहीं आएगा जो हम एक फ्रेंड होके काम करें, काम को अंजाम दे। कोई भी मिशन हो, अगर हम एक फ्रेंड हो और उस मिशन को अंजाम दे तो 100% सक्सेस होता है। और मुझे लगता है ना कि अगर स्टाइलिश डायरेक्टर का इंडस्ट्री में नाम दिया जाए तो वो हमारे भाई चंदन भाई होंगे। और क्या क्या बोलेंगे आप संचिता जी? नहीं, चंदन सर के साथ मैंने काम किया, अनिल सर यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर, अनिल विश्वकर्मा जी है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, किशन राय हमारे हीरो है, प्राची है, जो एक टीम को ऐसे करके सर ने एक्चुअली मेन डायरेक्टर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करते, इन्होंने ऐसी एक टीम को बना के रखी कि फैमिली की तरह, एंड हम लोग बहुत इंजॉय किया। और सर आपने, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है जो इस फिल्म में देखने के लिए मैं मेरे प्यार से मिला थे, बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, बहुत सुपर हिट फिल्म है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है संचिता जी, नहीं मैं चंदन जी उनको नहीं इसलिए इन्वॉल्व करूँगा, जो हमने कॉन्सेप्ट शूट किया था लखनऊ में, मुझे लगता है सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो जवरिया जोड़ी, उन लोगों ने कुछ सीन ऐसा था जो हमने हवेली में शूट किया, मुझे लगता है हमने पहले शूट किया या उन लोगों ने हमारा सीन पहले, जबरिया जोड़ी तो बाद में हुआ, पहले हम लोगों ने शूट किया है और कोई सीन कॉपी नहीं है। क्योंकि हमारा क्या है कि अलग कंटेन है, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आप इसमें दिख रहे हैं वो अलग दिख रहे हैं, एक अलग फ्लो है, एक अलग कंटेन है और उनकी अलग कंटेन है, वो हमारे बिहार से ही स्टोरी उठाए हैं, पर हमारा उनसे बहुत ऊपर है। हमारी फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म से बहुत ऊपर है, ऊपर है, बस आप बहुत जल्द बोले तो बहुत जल्द, पूरी एकदम कंप्लीट है, लास्ट पैचवर बचा हुआ था थोड़ा सा, बहुत जल्द आपके सिनेमा घर में। हाँ, और आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए और हम सब आएंगे आप लोगों के बीच में, हर जगह आएंगे। हाँ। एक एक जगह आएंगे, पूरा यूपी, बिहार, हर जगह, लेके बिहार तक, क्या सब जगह पे आएंगे, सब जगह पे, और बहुत मजा आएगा जी, बिल्कुल। और आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आप सबको, मेरे और मेरे पूरे टीम के तरफ से, संचिता जी के तरफ से, तिवारी जी के तरफ से, किशन जी के तरफ से, पूरे मेरे प्यार से मिला दे के टीम के तरफ से हैप्पी दिवाली। प्लैनेट भोजपुरी।